महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से गैंगस्टर लॉरेन बिश्नोई गैंग एक बार फिर सुर्खियों में है। 12 अक्टूबर की रात तीन संदिग्ध शूटरों ने बाबा सिद्दीकी की उनके बेटे जिशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर गोली मार कर हत्या कर दी थी, जिसकी जिम्मेदारी लेते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी के मर्डर का कारण बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को बताया था। इस घटना के बाद से देश की तमाम जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर है, लेकिन अब केंद्रीय जांच एजेंसी NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शिकंजा कसते हुए लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित करते हुए उसे मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल कर लिया है। जी हाँ, बता दें कि अनमोल बिश्नोई उर्फ भानु पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपियों में से एक है। रिपोर्ट्स की माने तो बाबा सिद्दीकी की हत्या के तार अब लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के साथ सीधे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बताया है कि तीन संदिग्ध शूटरों ने मर्डर से पहले लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई से बात की थी, जहां ये बात स्नैपचैट के जरिए की गई थी। अनमोल आरोपियों से अमेरिका और कनाडा से कांटेक्ट करता था। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर अभी तक अनमोल बिश्नोई और भानु पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं आ पाया है। दरअसल अनमोल बिश्नोई लगातार अपने ठिकाने बदलता रहता है। पिछले साल उसे केन्या में तो इस साल उसे कनाडा में देखा गया था। उसके खिलाफ अब तक करीब 18 मामले दर्ज हैं और वह जोधपुर जेल में सजा भी काट चुका है। हालांकि 7 अक्टूबर को उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। माना जा रहा है कि अनमोल अपने भाई की गैर मौजूदगी में कनाडा और अमेरिका से गैंग चला रहा है, जहां वो अपने साथियों के साथ सोशल मीडिया एप्लीकेशन स्नैपचैट के माध्यम से कांटेक्ट करता है। आखिरी में बताते चले कि पुलिस बाबा सिद्दीकी की हत्या के सिलसिले में अभी तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।